हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 15 ऑफ माय हिस्ट्री क्लास। और आज भी हम मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री को ही कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु वर द जागीरदार्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। अकबर के शासनकाल में जागीरदार कौन थे? तो जागीरदार आपके थे ऑफिशियल्स ऑफ स्टेट हु वर गिवन जागीर इन प्लेस ऑफ कैश पे। राज्य के अधिकारी जिन्हें नगद भुगतान करने के बजाय जागीर दिया जाता था। ये आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो ऑफिशियल्स जो थे स्टेट के जिन्हें जागीर दिया जाता था उन्हें अपने ये जागीरदार कहते थे। और ये राजा के द्वारा चुने गए ऑफिशियल्स होते थे जिन्हें कि राजा के द्वारा ये गिफ्ट की गई लैंड दी जाती थी। तो ये इनकी रैंक थी, होल्डर थे ये, और इन्हें मनसबदार कहते थे। ये इनकी एक रैंक होती थी, मनसब आपको ध्यान है रैंक थी, कल मैंने आपको बताया था। तो इन्हें ये अलॉट किया जाता था नॉन इनहेरिटेबल लैंड, जो कि इनकी जो फी की जो अमाउंट थी उसके इक्विवेलेंट इनको दे देते थे उस लैंड को। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था दिल्ली सल्तनत में, इसको कंटिन्यू रखा मुगल एम्पायर में, यहाँ तक कि मुगल एम्पायर के जो फॉल के बाद ये कई सारे जो ये स्मॉल जो ये किंगडम्स जैसे राजपूत, जाट, सैनी, सिख जाट किंगडम्स जो थे, इन्होंने भी इसको किसी न किसी फॉर्म के अंदर कंटिन्यू रखा। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी किसी फॉर्म में इसको कंटिन्यू रखा। ये जागीरदारी सिस्टम 1951 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एबॉलिश किया। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कब जागीरदारी सिस्टम एबॉलिश हुआ। तो वो था आपका 1951 के अंदर, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जागीरदारी सिस्टम एबॉलिश किया। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर विचार करें। असैसिनेशन ऑफ खुसरो मिर्जा, खुसरो मिर्जा की हत्या, मोहब्बत खान स्कूप, मोहब्बत खान का तख्ता पलट, जहांगीर्स डेथ, जहांगीर की मृत्यु, खुर्रम्स रेबिलियन, खुर्रम का विद्रोह। तो इनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर आपको अरेंज करना है। तो आपका सबसे पहले हुआ था खुसरो का आपका असैसिनेशन, ये खुर्रम के कहने पे हुआ था। फिर आपका हुआ था खुर्रम का रेबिलियन, ठीक है, फोर्थ, साफ हैंड राइटिंग में लिख देता हूँ, फर्स्ट, फोर्थ। फिर आपका हुआ था मोहब्बत खान स्कूप, ठीक है, ये इसने किया था। और उसके बाद आपकी हुई थी जहांगीर की डेथ, ये क्योंकि ये तीनों की तीनों चीज़ें जहांगीर के काल में ही हो गई थी। तो 1, 4, 2, 3 आपका कौन सा ऑप्शन है? 1, 4 यही है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आपको बता देते हैं सारे सारा। तो ये जो खुसरो का जो असैसिनेशन हुआ था January 26, 1622 में हुआ था, किसके कहने पर? खुर्रम यानी कि शाहजहां के कहने पर हुआ था। खुर्रम ने रेबिलियन बाद में फिर 1622 के अंदर ही किया था, 1622-23 या 24 तक इसका कंटिन्यू चला था। इसको इसका ये था बेसिकली, खुर्रम को ये डर था कि नूर जहां जो इसकी स्टेप मदर है वो इसके पिता जहांगीर को उसके खिलाफ भर रही है। तो इसने फिर अपना रेबिलियन स्टार्ट कर दिया था, पर इसका रेबिलियन अनसक्सेसफुल रहा था। और बाद में इसने अनकंडीशनल अपोलॉजी भी मांग ली थी। मेवत खान का कूप क्या था कि ये मेवत खान था एक प्रोमिनेंट जनरल और स्टेट्समैन था इसके अंदर, मुगल किंगडम के अंदर ही जहांगीर के अंडर। प्रॉब्लम ये थी कि ये प्लॉटिंग कर रही थी नूर जहां इसके अगेंस्ट। तो इस प्लॉटिंग से परेशान होकर इसने फिर क्या प्लान बनाया कि चलिए मैं फिर तख्ता पलट की ही कोशिश कर लेता हूं। तो ये रहा था, इसने जहांगीर को कैप्चर भी कर लिया था, नूर जहां कैप्चर नहीं हुई थी। फिर नूर जहां ने एक इसका प्लान बनाया और उस प्लान के अकॉर्डिंग फिर इस मोहब्बत खान को पछाड़, मतलब इसको डिफीट किया और जहांगीर को फ्री करवाया। तो ये नूर जहां का वो सारा सारा प्लान था। और जहांगीर की डेथ हुई थी 1627 में। अच्छा, मोहब्बत खान का कूप हुआ था 1626 के अंदर, ये भी ध्यान रखिएगा डेट्स आपको। हु वॉज द गवर्नर ऑफ कारामनिकपुर टू हैव रिवोल्टेड अगेंस्ट सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कारामनिकपुर का गवर्नर कौन था जिसने सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो वो था आपका मलिक चज्जू। मलिक चज्जू ये क्या था, ये बालबन का ये नेफ्यू था। और ये फिर ये जो फॉर्मल जो फॉर्मर रॉयल फैमिली थी, ये किसकी? बलबन जो था स्लेव डायनेस्टी का, तो स्लेव डायनेस्टी की जो फॉर्मर रॉयल फैमिली थी उसका ये फिर उस टाइम हेड था। तो इसने रिवोल्ट कर दिया जलालुद्दीन खिलजी के अगेंस्ट। और ये चज्जू की इसने फिर चज्जू ने इसकी गवर्नरशिप कारा मणिकपुर के लिए, ताकि ये जो इंपीरियल जो कंट्रोल है इसका दिल्ली सल्तनत का, उससे ये जितना दूर हो सके उतना दूर रह सके और साथ के साथ अपने एक कजिन बुगरा खान का
जो कि कैकुबाद के पिता थे, उनका भी ये सपोर्ट ले सके जिन्होंने कि एक इंडिपेंडेंट रूल अपना एस्टेब्लिश कर लिया था बंगाल के अंदर। हाजी मौला रिवोल्टेड अगेंस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स? हाजी मौला ने निम्न में से किस सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो वो किया था आपके अलाउद्दीन खिलजी के अगेंस्ट। ये हाजी मौला एक्चुअली में ये गुलाम था फक्र अल दीन का, जो कि दिल्ली का कोतवाल था जलालुद्दीन खिलजी के अंदर। और बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी जब बन गया किंग, और ये रणथंबोर के अपने जब गया था वहां पे अलाउद्दीन खिलजी अपने रणथंबोर को कैप्चर करने, तो पीछे से इसने फिर पावर दिल्ली के अंदर कैप्चर करने की कोशिश की। इसने दिल्ली का उस टाइम का जो कोतवाल था उसको मार दिया और गद्दी पे किसे बैठा दिया, अलावी को, जो कि एक इल्तुतमिश का एक डिस्टेंट रिलेटिव था। इल्तुतमिश आपको ध्यान है ना, ये स्लेव डायनेस्टी से, स्लेव डायनेस्टी के बाद आई थी खिलजी डायनेस्टी, तो ये जो स्लेव डायनेस्टी का कोई एक डिस्टेंट रिलेटिव था इल्तुतमिश का, उसको फिर इसने गद्दी पे बैठा दिया। लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहा था इसका अटेम्प्ट, एंड ही वॉज ऑल्सो लेटर ऑन एग्जीक्यूटेड। वेन एंड बाय हुम वर द पोर्चुगीज ड्रिवन आउट ऑफ हुगली इन बंगाल? पुर्तगालियों को बंगाल से हुगली से कब और किसके द्वारा खदेड़ा गया था? तो ये क्वेश्चन कल भी करवाया था, किसने किसके राजा कौन था, तो वो तो शाहजहां था, लेकिन जनरल कौन था, तो जनरल आपका था कसीम खान। ये मैंने कल डिटेल्स में आपको बताया था, 1631 के अंदर हुआ था, 31-32 के अंदर। ये क्या था, कसीम खान ये जो था मुगल जनरल था, जो जहांगीर और शाहजहां के अंदर इसने काम किया था, और ये बंगाल का सूबेदार भी रहा था 1628 टू 1631। इसने क्या, ये अपने बेटे को इनायतुल्ला खान, जो इसका बेटा था, उसको चार्ज दे के भेजा आर्मी का कि जाओ और जाके हुगली से इनको पोर्चुगीज को खदेड़ो। तो इन्होंने फिर क्या किया वहां पे, लगभग कल ही मैंने बताया था 10,000 ये पोर्चुगीज को इन्होंने स्लॉटर किया और बाकियों को फिर उधर हुगली से खदेड़ दिया। ये सारा हुआ किसके कहने पे था, ये शाहजहां के कहने पे हुआ था, ये कल क्वेश्चन आया था आपको ध्यान होगा। द मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर वॉज बोरोड फ्रॉम द सिस्टम फॉलोड इन? अकबर के द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रथा किस जगह की प्रथा से प्रेरित थी? तो वो थी आपके मंगोलिया से। ठीक है, मनसबदारी सिस्टम मैंने बताया था मिलिट्री यूनिट का था, इसके अंदर ये एक रैंक होती थी। मनसब का मतलब ये रैंक है अरेबिक ओरिजिन का, तो इसके अंदर रैंक डिटरमाइन करते थे, और किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल का उसका स्टेटस और रैंक ये इससे डिटरमाइन होती थी। ठीक है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ फिरोज शाह तुगलक द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट वॉज ग्रेटली ऑगमेंटेड थ्रू वेरियस मीन्स, विच वन वॉज नॉट वन ऑफ देम? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में राज्य का राजस्व कई साधनों से बहुत अधिक बढ़ गया था, इनमें से कौन सा उन साधनों में शामिल नहीं था? वाटर टैक्सेज, इंप्रूविंग द फर्टिलिटी ऑफ लैंड एंड कल्टिवेशन ऑफ सुपीरियर क्रॉप्स, एनहेंसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, या गार्डन्स? तो इसका आपका है करेक्ट आंसर एनहेंसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व में वृद्धि। देखिए, इसने वाटर पे ये टैक्स और लगाया था, इसने देखिए गार्डन बनाए थे, इसने फार्मर औरों के फार्मिंग के अंदर इसका काफी ध्यान था, इसने कैनाल्स और काफी बनाई थी, आपको ध्यान है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ये भी बनाए थे वाटर टैक्सेस के अंदर, मैं बताऊं, इसने वाटर टैक्स लगाया था, जो एग्रीकल्चरल लैंड जो कि इसके द्वारा बनाई गई कैनाल से इरीगेट होता था, उस पर वाटर टैक्स भी लगाता था। तो वो तीन ऑप्शन नहीं थे, वो एक ऑप्शन था जिसमें कि भू राजस्व जो लैंड रेवेन्यू के अंदर एनहेंसमेंट वाला, वो इसने काम नहीं किया था। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज हैदर अली सर्विंग एज अ फौजदार व्हेन ही कंसोलिडेटेड हिज पोजिशन? निम्न में से किस राज्य में हैदर अली एक फौजदार के रूप में कार्य कर रहा था जब उसने अपनी स्थिति को मजबूत किया? तो वो है आपका डिंडीगुल, ऑप्शन नंबर डी। ये सुल्तान था और डिफेक्टो किंग, ये किंग बन गया रूलर किसका, किंगडम ऑफ मैसूर इन साउदर्न इंडिया का। इसने इसको 1755 के अंदर इसको फौजदार अपॉइंट किया गया था डिंडीगुल का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवलर्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्लोरीज ऑफ विजयनगर किंगडम? निम्न में से किस यात्री का संबंध विजयनगर साम्राज्य के गौरव गाथा से नहीं है? तो वो है आपका इब्न बतूता। इसने गौरव गाथा नहीं की विजयनगर एम्पायर की, बाकी सबने की। तो अब्दुल रजा कौन था, ये पर्शियन ट्रेवलर था जो कि विजयनगर में आया था 1440 में, और ये उस टाइम का राजा कौन था, देवराय सेकंड, और ये आया था एज एन एम्बेसडर ऑफ शाहरुख, जो कि पर्शिया का रूलर था ऑफ टिमुरिड डायनेस्टी। इसने अकाउंट में अपने में लिखा है देवराय सेकंड के रेन के बारे में, इसकी बुक का नाम क्या था, माल्टा अस सदेन व मजमा उल बहारेन,
ए भगवान, नाम भी इतने लंबे लंबे लेने ही बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और ये फरेनो न्यूनिज, ये पोर्चुगीज ट्रेवलर था और क्रॉनिकलर और हॉर्स ट्रेडर था, जिन्होंने कि 3 साल विजयनगर एम्पायर में रहे। ये विजयनगर को कब विजिट किया? अच्युतरायाय जो थे उसके रेन के अंदर इन्होंने विजिट किया और डिटेल अकाउंट दिया विजयनगर की हिस्ट्री में, हिस्ट्री के बारे में, कैसे ये एस्टेब्लिश हुआ, कैसे इसके अंदर 3 डायनेस्टीज आई उसके बाद में, और बैटल्स जो इन्होंने लड़े डेक्कन सल्तनत और उड़ीसा के राया इसके साथ। तो ये सारा कुछ फरेनो न्यूनिज ने लिखा है। और ये जो डोमिनिगो पेस जो थे, ये भी पोर्चुगीज मर्चेंट थे, राइटर और एक्सप्लोरर थे, जो इंडिया में आए और इन्होंने सबसे ज़्यादा डिटेल अकाउंट दिया, सारे सारे हिस्टोरिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी ऑफ हम्पी। हम्पी आपको ध्यान है विजयनगर की कैपिटल थी, ठीक है। और ये उस टाइम कौन था राजा अपने? वो थे अपने कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के अंदर जो हम्पी का जो था, कैसा काम होता था वहां पे, उसका सबसे ज्यादा डिटेल अकाउंट ये पेस ने दिया है आपको। आफ्टर अ लेंथी ट्रायल, बहादुर शाह जफर वॉज एक्साइल्ड अलॉन्ग विथ सम ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स। हु वॉज हिज बेगम हु एकम्पनीड हिम। एक लंबे मुकदमे के बाद बहादुर शाह जफर को उसके परिवार के कुछ सदस्यों के साथ देश निकाला दे दिया गया। उसकी बेगम कौन थी जो उसके साथ गई थी? तो वो उसकी बेगम थी जीनत महल। तो जीनत महल थी, ये डिफेक्टो एम्प्रेस थी, और जो इसकी इसके बिहाफ पे ये फिर बहादुर शाह जफर के बिहाफ पे ये फिर सारा का सारा एम्पायर जो भी जितना भी इनके कंट्रोल में था वो ये संभाल रही थी। और ये बहादुर शाह जफर की फेवरेट वाइफ थी। बहादुर शाह जफर की फेवरेट वाइफ कौन थी अगर क्वेश्चन आया, तो वो भी आंसर आपका है जीनत महल, ठीक है। और उसकी एब्सेंस में कौन संभाल रही थी, देख रेख कर रही थी? तो ये भी जीनत महल है आपका आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्टागोनल टूम्ब। निम्न में से कौन सा एक अष्टकोणीय मकबरा है? तो वो है आपका सिकंदर जो लोदी है उसका मकबरा एक आपका अष्टकोणीय ऑक्टागोनल टूम्ब है। तो ये सिकंदर लोदी का जो मकबरा है ये 1517 1518 के अंदर बनाया गया था इसके बेटे इब्राहिम लोदी के द्वारा। तो ये इसको इंस्पायर किससे हुआ था? ये इंस्पायर हुआ था मोहम्मद शाह के टूम्ब से, जो कि मोहम्मद शाह सैयद डायनेस्टी का रूलर था। सैयद डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था? खिजर खान ने, आपको ध्यान होगा। और लोदी को किसने किया था? बहलोल लोदी ने, ठीक है। तो ये इसका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल है, और ये पहला फर्स्ट गार्डन टूम है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। तो अगर कल को क्वेश्चन आए कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पहला गार्डन टूम कौन सा है, तो वो है आपका टूम्ब ऑफ सिकंदर लोदी। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर बढ़ते हैं। अल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द रूलर ऑफ। अल्बुकर्क ने गोवा को किसके शासक से छीन लिया था? तो वो आपका था बीजापुर का शासक। तो ये जो पोर्चुगीज जो कॉन्क्वेस्ट ये गोवा का हुआ था, ये पोर्चुगीज गवर्नर और ये अल्बरकुक जो अल्फांसो डी अल्बरकर्क जो था उसने ये कैप्चर किया था 1510 के अंदर। और मजेदार बात ये है कि गोवा ऐसी कोई गोवा को इसको कैप्चर करने के ऑर्डर्स भी नहीं मिले थे पोर्चुगीज किंग से। पोर्चुगीज किंग ने कहा था इसको कैप्चर करने के लिए हॉर्मुज, आदेन और मलाका, पर इसने गोवा को भी कैप्चर किया। और उस टाइम बीजापुर का सुल्तान था इस्माइल आदिल शाह। वो उस टाइम क्या, इसके पिता की डेथ हुई थी इस्माइल आदिल शाह की, तो ये इनएक्सपीरियंस था, तो ये इसे रोक नहीं पाया था। हु अमंग द सुल्तान इज क्रेडिटेड विद हैविंग इंट्रोड्यूस्ड अ प्योरली अरेबिक करेंसी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। निम्न में से किस सुल्तान को सोने और चांदी की शुद्ध अरबी मुद्रा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? तो वो आपको दिया जाता है आपने के इसने किया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। और इल्तुतमिश ने, मैंने आपको पहले ही बताया था, सिल्वर का टंका और कॉपर कॉपर का जीतल भी स्टार्ट किया था। ये दोनों कॉइन्स भी आपको याद रखना है। हु वॉज द किंग टू ऑर्गेनाइज अष्ट प्रधान। अष्ट प्रधान का गठन करने वाला शासक कौन था? ये कल ही मैंने आपको अष्ट प्रधान के बारे में बताया था, शिवाजी हैं। मेरे ख्याल से आपने देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी उसका ले लिया होगा। अष्ट प्रधान सारे के सारे मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। मुगल रूलर्स एक्सपेंडेड देयर एम्पायर ग्रेजुअली। मुगल शासकों ने धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट करेक्ट है? औरंगजेब एनेक्स्ट बरार, नहीं ये गलत है, मैं आगे बताऊंगा क्या इनके सही स्टेटमेंट्स थे। शाहजहां एनेक्स्ट बीजापुर एंड गोलकोंडा, गलत है, ये वैसे किया था अकबर ने, ये किया था औरंगजेब ने। अकबर एनेक्स्ट अहमदनगर, तो ये भी गलत है, ये शाहजहां ने किया था। जहांगीर एनेक्स्ट कंगड़ा, ये सही है, जहांगीर ने कंगड़ा को अपने साम्राज्य में मिलाया था, ये करेक्ट
स्टेटमेंट है खाली इन सब के अंदर। तो आइए देखते हैं सारे सारे करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो ये बेराड को ये चांद बीबी ने फिर ये सीड कर दिया था अकबर को इन 1596। डेट्स आपको याद रखनी है, इसलिए मैं इस पेज में आपको बता रहा था। डेट आपको ध्यान रखनी है, कब किया था 1596। औरंगजेब ने बीजापुर कब किया था 1685-1686 के अंदर, गोलकोंडा किया था 1687 में। शाहजहां ने अहमदनगर कॉन्कर किया था 1636 में, और जहांगीर ने कंगरा को किया था एनेक्स 1620 के अंदर। डेट्स आपको याद रखनी है, ठीक है, डेट्स इंपॉर्टेंट है। अंडर विच पेशवाज रूल मराठास अटैक्ड बंगाल, मराठों ने बंगाल पर किस पेशवा के शासन में आक्रमण किया था, तो वो थे आपका बालाजी बाजीराव। ये जो लेटर मुगल्स का जो पीरियड था, इसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज इनको मराठों से ही मिल रहा था, कि मराठों की जो ताकत बढ़ रही थी उस टाइम, इनका पेशवा था पेशवा बालाजी बाजीराव। तो इनकी आर्मी ऑल ओवर इंडिया इधर उधर ये मतलब बढ़ जा रही थी, हर जगह जा रही थी। और इन्होंने 1742 से लेकर 1751 में, इसमें कई बार बंगाल को इन्होंने इन्वेड किया, और फाइनली बंगाल के नवाब को उड़ीसा मराठों को देना पड़ा। कब दिया था 1751 में, डेट याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आया कि बंगाल के नवाब ने मराठों को उड़ीसा किस सन में दिया, तो वो है आपका 1751। सीइंग बहादुर शाह सेकंड्स ओल्ड एज, लॉर्ड डलहौजी रिकॉग्नाइज्ड द सक्सेशन ऑफ हिज सन, हु वाज ही? बहादुर शाह द्वितीय की बुजुर्गावस्था को देखकर लॉर्ड डलहौजी ने उसके बेटे को उत्तराधिकारी को मान्यता दे दी। वह कौन बेटा था? तो वो बेटा था इसका निजाम उल मुल्क, शहजादा मिर्जा फतेह उल मुल्क बहादुर, जिसको कि मिर्जा फखरू भी कहते हैं। ये जो था लास्ट क्राउन प्रिंस था मुगल एम्पायर का, तो ये इसको क्राउन प्रिंस बनाया गया था अपने 1853 में, लेकिन इसके कोलेरा से 1856 में डेथ होगी। लेकिन कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि शायद इसको जहर दिया गया हो, ये पता नहीं। लेकिन बहादुर शाह जफर से पहले ही इसकी डेथ हो गई थी, इसकी 1856 में ही डेथ हो गई थी, ठीक है। विच वन अमंग द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? द सेकेंड बैटल ऑफ तराई, डिफीट ऑफ जयचंद ऑफ कन्नौज बाय मोहम्मद ऑफ गौरी, गलत। सेकेंड बैटल ऑफ तराई कौन कौन था? पृथ्वीराज चौहान को हराया था मोहम्मद गौरी ने। बैटल ऑफ खानवा, राणा प्रताप बाय अकबर, नहीं, राणा सांगा बाय बाबर था। बैटल ऑफ चौसा, डिफीट ऑफ हुमायूं बाय शेरशाह, करेक्ट। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, डिफीट ऑफ सिकंदर लोदी बाय बाबर, नहीं, ये था इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी बैटल ऑफ तराई, और जयचंद वर्सेस मोहम्मद गौरी का था बैटल ऑफ चंदवाड़, बैटल ऑफ खानवा राणा सांगा वर्सेस बाबर, बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर, ठीक है, याद रहेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ड्यूरिंग औरंगजेब्स रेन विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट इंक्लूडेड इन हिज गवर्नमेंट, औरंगजेब के शासनकाल में निम्न में से किस समुदाय को उसकी सरकार में शामिल नहीं किया गया था? तो वो थे आपके मराठे, क्योंकि इनके जो मराठों के साथ मुगल मराठा वॉर्स चले थे, आपको ध्यान है 1680 से 1707 के अंदर औरंगजेब की डेथ हुई थी, तो इसके डेथ के बाद ये मुगल मराठा वॉर्स एंड हुए थे, तो इसलिए ये मराठे इसके जो थे गवर्नमेंट में इंक्लूडेड नहीं थे। अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ शिवाजी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, शिवाजी के निम्नलिखित कार्यों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, तो क्या क्या है आपका? पहला अटैक ऑन एंड मर्डर ऑफ अफजल खान, अफजल खान पर आक्रमण तथा उसकी हत्या, प्लंडर ऑफ सूरत, सूरत की लूट, कैप्चर ऑफ जवाली, जवाली पर कब्जा, और डी अटैक ऑन शाइस्ता खान, शाइस्ता खान पर आक्रमण। तो ये आपका जो चला था, तो सबसे पहले ये किया था, कैप्चर किया था इन्होंने जवाली को, ठीक है। फिर आपके आया था अटैक ऑन एंड मर्डर ऑफ अफजल खान, फिर आपके हुआ था प्लंडर ऑफ सूरत, सूरत को इन्होंने लूटा था, फिर सबसे एंड में आपका आया था अटैक ऑन शेष्टा खान, ठीक है। सी ए बी डी, सी ए बी डी या डी बी ए सी में से कौन सा है? सी ए बी डी, ठीक है, आपको डी ऑप्शन है सही आंसर आपका। आपको मैं इनके ईयर भी बता देता हूं, तो जवाली कैप्चर किया था 1656 में, अफजल खान का मर्डर 1659 में, प्लंडर सूरत पहली बार 1664, दूसरी बार 1670। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स, खासतौर पे पहला जो इनकी जो लूट थी ना उसको।
और फिर अटैक ऑन श्रेष्ठा खान 1694, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्निंग्स ऑफ द किंग्स इन द मेडिवल एज वर मोस्टली डिराइव फ्रॉम, मध्यकाल में शासकों की आय अधिकांश प्राप्त किससे होती थी, तो वो आपकी होती थी लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व से। द थ्योरी ऑफ सुले कुल वॉज प्रोपाउंडेड बाय, सुले ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो वो आपका किया गया था अकबर के द्वारा प्रोपाउंड किया गया था। तो सुले ए कुल का अरेबिक में लिटरल मीनिंग है पीस विद ऑल, यूनिवर्सल पीस या एब्सोल्यूट पीस, इसका मतलब सूफी जो मिस्टिक प्रिंसिपल है उससे ये डिराइव किया गया है, और अकबर ने इसको अप्लाई किया, और इसका मतलब था सभी के सभी धर्म आपस में पीस और हारमोनी से रहें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, मुगल काल के दौरान निम्न में से किस चित्रकला शैली का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ था, तो वो आपका हुआ था द बीजापुर स्कूल। After consolidating his power, Balban assumed the grand title of, अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने के बाद बलबन ने किस की उपाधि ले ली थी, तो वो कौन सी उपाधि ग्रहण की थी इसने, वो थी इसके जिले इलाही की। The famous work of Dara Sikho, in which he proved that Islamic concepts were identical with those of Hindus was, दारा सिको का वह प्रसिद्ध कृति कौन है जिसमें उसने सिद्ध किया कि इस्लामिक अवधारणाएं हिंदुओं की अवधारणाओं के जैसी ही है। अवधारणाएं, अब है यार धारणाएं लिखने, अवधारणाएं तो इनकरेक्ट लग रहा है मेरे को तो ट्रांसलेशन इसके अंदर। एनीवे, अब गूगल ट्रांसलेट जाने ज्यादा, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मजमा अल बहारैन। देखिए ये बुक तो दारा सिको ने लिखी ही नहीं थी, ये बुक लिखी थी आपकी इब्न अरबी ने, ठीक है। सीरी अकबर के अंदर इसने ये बेसिकली, जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है, उपनिषद का ही एक तरीके से ये ट्रांसलेशन या कुछ था, कलेक्शन सबका। ये सकीनातुल अवलिया औलिया, इसके अंदर सूफिज्म के जो भी कैसे लाइफ जीते थे सूफीज, और उसके बारे में ये सारा बताया गया है इस बुक के अंदर, और इसका तो अपन ने देख लिया, ये तो आंसर है ही क्वेश्चन का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज किल्ड बाय छत्रपति शिवाजी इन द बैटल ऑफ प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के युद्ध में छत्रपति शिवाजी के द्वारा निम्न में से किसकी हत्या की गई थी, तो वो हत्या की गई थी अफजल खान की। तो ये बैटल ऑफ प्रतापगढ़ लड़ा गया था 1659 में, ये प्रतापगढ़ फोर्ट सतारा महाराष्ट्र के पास, ठीक है। और इसके अंदर क्या था, छत्रपति शिवाजी की जो सेना थी वो लड़ी थी आदिल शाह का जो जनरल था अफजल खान, और इसके अंदर मराठों ने आदिल शाह की जो सेना थी उसको बुरी तरह से हरा दिया था, जबकि ये आउट नंबर थे तो भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स वॉज डिफीटेड बाय महमूद गजनवी इन हिज फर्स्ट अटैक इन द ईयर 1001 AD, निम्न में से किस भारतीय शासक को वर्ष 1001 ईस्वी में महमूद गजनी ने उसके पहले आक्रमण में पराजित किया, तो वो था आपका जयपाल, आनंदपाल को उसके बाद में किया था, आनंदपाल जयपाल का बेटा था अगर आपको ध्यान हो तो, वाई हिंद का बैटल हुआ था ये आपको याद हो तो, मैंने बताया भी था, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मुगल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, द ये मुगलों के संदर्भ में दिन में से कौन सा कथन सही नहीं है, द मुगल कोर्ट क्रॉनिकल्स डिस्क्राइब देम एज द डिसेंडेंट्स ऑफ लेजेंडरी ईरानियन किंग अफरासियाब, मुगल दरबार का इतिहास उनका वर्णन एक महान ईरानी राजा अफरासियाब के वंशजों के रूप में करता है, पता नहीं इसके बारे में, चलो इसको छोड़ देते हैं। बाबर वॉज पुश्ड आउट ऑफ हिज होमलैंड फरगाना बाय उज़्बेक्स, ये करेक्ट है 1501 के अंदर इसको समरकांड, शायद ये स्पेलिंग है समरकांड या इसका प्रोनाउंसिएशन यही होना चाहिए, यहाँ से इसको भगा बाहर कर दिया गया था उज़्बेक्स ने, उज़्बेकिस्तान से, ये भी सही है स्टेटमेंट। बाबर वॉज रिलेटेड टू चंगेज खान फ्रॉम हिज मदर्स साइड, बाबर अपनी माँ की तरफ से चंगेज खान से संबंधित था, बिल्कुल सही बात है ये।
और तैमूर लंग से ये अपने जो पैटर्नल साइड से ये रिलेटेड था, देवर डिसेंडेंट्स ऑफ तैमूर ऑन द पैटर्नल साइड, सही बात है। तो ये जो वर्ल्ड के दो बेस्ट फाइटर्स हुए हैं उनका खून बाबर के अंदर था, तो ये तीन स्टेटमेंट सही है, तो नेचुरली ये स्टेटमेंट गलत हो ही गया। द फेमस बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 वॉज फॉट इन विच रीजन ऑफ इंडिया। 1757 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ी गई थी, तो वो ये लड़ा गया था वेस्ट बंगाल में। बैटल ऑफ प्लासी बंगाल के अंदर हुआ था 1757 में, ठीक है। जो नवाब ऑफ बंगाल और इसके फ्रेंच एलाइज थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़े थे। कौन था नवाब? सिराजुद्दौला उस टाइम था। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1764। कौन था नवाब? मीर कासिम। द मुगल एम्परर हु एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ अलामगीर। मुगल बादशाह जिसने की अलामगीर की उपाधि धारण की थी वो कौन था? सबको पता है, औरंगजेब। औरंगजेब का असली नाम क्या था? मुहियुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। इसको औरंगजेब, इसने अपना फिर बाद में अलामगीर का टाइटल ले लिया जिसका मतलब था कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। ये छठा मुगल एम्परर था। ये भी आपको याद रखना कि कौन सा मुगल एम्परर का कौन सा नंबर था, ये नंबर भी आ जाता है आपको। तो ये औरंगजेब तक याद रख लीजिए, बहुत है, ठीक है। इसने लगभग 49 ईयर्स तक इसने रूल किया था साउथ एशिया में। द चिश्ती सेंट इन हुज ऑनर्स ऑनर उर्स इज हेल्ड इन अजमेर एवरी ईयर वॉज। वह चिश्ती संत जिनके सम्मान में हर वर्ष अजमेर में उर्स का आयोजन किया जाता है कौन थे? तो वो थे आपके मोइनुद्दीन चिश्ती। अगर आपने वो जोधा अकबर का गाना सुना हो, ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समाजा, तो ये इन्हीं के ऊपर था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ऊपर। वो अजमेर दरगाह का ही सीन था। द फर्स्ट इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गौरी वॉज इन विच ईयर वेन ही अटैक्ड मुल्तान। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण कब हुआ था जब उसने मुल्तान पर हमला किया था? तो वो था आपका ऑप्शन नंबर सी 1175। मोहम्मद गौरी 1175 में आया था, इसने मुल्तान पर अटैक किया और इसने वहां के जो राजा थे उसको हरा दिया था मुल्तान के अंदर। तो इसका पहला आया था 1175 के अंदर, ठीक है। शिवाजी सन फ्रॉम साईबाई वॉज नेम्ड। साईबाई से शिवाजी को हुए बेटे का नाम क्या था? तो वो था इसके बेटे का नाम, इनके बेटे का नाम संभाजी, ठीक है। संभाजी जो था ये ही वॉज द सक्सेसर ऑफ शिवाजी और इसने इन्होंने 9 साल तक शासन किया। संभाजी का जो रूल था इसके अंदर ऑनगोइंग वॉर्स ही चलते रहे थे मराठा और मुगल्स के बीच में और साथ में सिद्दीज मैसूर और पोर्चुगीज के साथ भी। तो संभाजी बाद में 1689 में कैप्चर कर लिए गए थे मुगल्स के द्वारा एंड ही वॉज एग्जीक्यूटेड। तो इनको फिर सक्सीड किया इनके बेटे राजा, सॉरी इनके भाई राजा राम फर्स्ट ने। द सिटी ऑफ विक्ट्री फतेहपुर सीकरी इन डैश वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द ग्लोरियस रेन ऑफ द मुगल्स। किस शहर में विजय के शहर फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगलों के गौरवपूर्ण शासनकाल के दौरान किया गया था? तो वो सिटी अपने सबको पता है, वो है आगरा। किसने कराया था? अकबर ने कराया था फतेहपुर सीकरी का। अच्छा, आपको पता है ये कौन से ईयर के अंदर ये अपनी कैपिटल बनाई थी अकबर ने? ये ईयर था 1571, फतेहपुर सीकरी कैपिटल बनाई थी। फतेहपुर सीकरी में आपको ध्यान होगा बुलंद दरवाजा है, ये अकबर ने बनाया था 1601 में अपने गुजरात कॉन्क्वेस्ट में विक्ट्री के बाद, बुलंद दरवाजा, ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी क्या एक स्मॉल टाउन है आगरा के अंदर, वेस्ट में आगरा के। ये अकबर ने जैसा मैंने बताया एस्टैब्लिश कराया था। रेड सैंडस्टोन की ये बिल्डिंग है, इसके सेंटर के अंदर बुलंद दरवाजा है जो कि एंट्रेंस गेट है जामा मस्जिद का वहाँ पे, और उसके पास में आपके जो टूम मिलेगा किसकी, किनकी मिलेगी? सलीम चिश्ती जो कि सूफी संत थे। वहाँ पे दीवाने खास हॉल है, उसके अंदर एक कार्व्ड पिलर है, सेंट्रल पिलर है। जोधाबाई जो है उनकी रानी थी, उनका पैलेस भी है जिसके अंदर मुगल और हिंदू स्टाइल्स मिक्स हैं। और उसके पास में है 5 स्टोरी पंचमहल जो कि इस साइट के ऊपर, ये उसकी साइट को आप देख सकते हैं उस पंचमहल में से इस सारी साइट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वीन नाइकी देवी इज रिमेम्बर्ड एज द वूमेन हु डिफीटेड डैश इन 1178 CE। रानी नाइकी देवी को उस महिला के रूप में याद किया जाता है जिसने 1178 ईस्वी में किसको पराजित किया था? तो वो पराजित किया था आपके मोहम्मद गौरी को, ठीक है। नाइकी देवी थी ये
रीजेंट का काम कर रही थी, किसके? अपने बेटे मुलाराज सेकंड के। लेकिन मुलाराज सेकंड की जल्दी ही डेथ हो गई थी, तो मुलाराज सेकंड नहीं बना था आपके किंग, आपका किंग बना था भीमा सेकंड। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। द बैटल ऑफ चौसा वॉज फॉट बिटवीन हुमायूं एंड शेरशाह सूरी ऑन 26 जून इन द ईयर। हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा की लड़ाई किस वर्ष में 26 जून को लड़ी गई थी? तो अब देखिए, आपको अगर इसका कोई आइडिया भी नहीं है मान लें, तो भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कैसे? आपको पता है पहला बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526, कौन आया था? बाबर। दूसरा बैटल पानीपत का हुआ था 1556, कौन आया था? अकबर। तो मतलब ये इस दोनों डेट्स के बीच में ही जो डेट्स होंगी उसी में तो बैटल ऑफ चौसा हुआ होगा। तो इनमें से देखिए कौन सी है वो डेट है जो इनके बीच में आ रही है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से कई बार आपको कॉमन सेंस भी लगानी होती है आपके आंसर्स निकालने में। ठीक है, तो बैटल ऑफ चौसा इसके अंदर किस किस का झगड़ा हुआ था, किस किस की लड़ाई हुई थी? हुमायूं की शेरशाह सूरी के साथ। ठीक है, शेरशाह सूरी की इसमें जीत हुई थी, हुमायूं बाल बाल बचा था, यहां से बच के भागना पड़ा था हुमायूं को। हु बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर अलीवर्दी खान? अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो ये आपको बना था सिराजुद्दौला। आपको घसीटी बेगम वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था घसीटी बेगम ने घसीटा था सिराजुद्दौला को, कैसे आपको पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मोट की मस्जिद वॉज बिल्ट इन द रेन ऑफ। मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो मोट की मस्जिद का निर्माण आपका हुआ था सिकंदर लोदी के शासनकाल के अंदर। ठीक है, और ये कब बना था? ये 1505 में बनाया गया था बाय वजीर मियां बोहिया। ये थे वे प्राइम मिनिस्टर सिकंदर लोदी के रेन के अंदर। ठीक है, इन्होंने बनाया था कौन से ईयर के अंदर? ईयर आपका इंपॉर्टेंट है, ये है 1505। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कब बना था, 1505। द महाभारत ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन इन द मुगल पीरियड इज नॉन एज। मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुवादित महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है रजमनामा। ये मैंने आपको बताया था बदाउनी ने किया था इसको ट्रांसलेट अकबर के कहने पे। कब किया था? 1580s के अंदर। हु अमंग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टेड द चार मीनार? निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? तो वो है आपका कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह ये फिफ्थ रूलर थे कुतुबशाही डायनेस्टी के, और इन्होंने चार मीनार बनाई थी। कब बनवाई थी? ईयर याद रखिएगा 1591 के अंदर। ठीक है, आफ्टर शिफ्टिंग इज कैपिटल फ्रॉम गोलकोंडा टू द न्यूली फॉर्म्ड सिटी ऑफ हैदराबाद। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है, चार मीनार कहां पे है? हैदराबाद, ये सबको पता है। ईयर कौन सा था? 1591। कुली कुतुब शाह भी आ जाएगा आपको, सबको प्रॉब्लम आएगी अगर उसने ईयर पूछ लिया। उसने पूछा अगर क्वेश्चन आ गया कि कुली कुतुब शाह ने चार मीनार कौन से वर्ष में बनवाई थी हैदराबाद के अंदर, तब क्या जवाब देंगे? तो तब आपको पता होना चाहिए 1591 है आंसर आपका। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हु बिल्ट द हवा महल सिचुएटेड इन जयपुर? जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो जयपुर में जो स्थित हवा महल है उसको बनवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है, कब बना था ये? 1799 के अंदर। ये सवाई प्रताप सिंह कौन थे? ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ महाराजा सवाई जय सिंह। ठीक है, जय सिंह कौन थे? जयपुर के फाउंडर। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जयपुर को किसने फाउंड किया? जय सिंह ने, जैसे वो पाटलिपुत्र का आता है उदयन ने किया था। तो इस तरीके से फाउंडर्स भी आपके आने लग गए हैं सिटीज के। हु बिल्ड द शीश महल पटियाला? शीश महल पटियाला का जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो वो आपको कराया था महाराज नरेंद्र सिंह जी ने। ठीक है, तो शीश महल ये सबसे ज्यादा मैग्निफिशियंट स्ट्रक्चर है पटियाला के अंदर, और ये पैलेस बनवाया गया था 1845 से लेके 1862, इतना टाइम लगा इसको कंस्ट्रक्ट होने में, ये महाराज नरेंद्र सिंह ने। और ये किसके पीछे है? ये मोतीबाग पैलेस के पीछे है। ठीक है, और आर्किटेक्चर जो पैलेस है इसका, जो आर्किटेक्चर स्टाइल है, ये किसका मिक्सचर है? मुगल और यूरोपियन स्टाइल का मिक्सचर है इसका आर्किटेक्चर। इन द रेन ऑफ इल्तुतमिश द स्पेसिफिक स्लेव्स वर बॉट फॉर मिलिट्री सर्विसेज हु वर कॉल्ड एज। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें जाना जाता था बंदगान से।
समंत मैंने आपको कल बता दिया था, ही वॉज द फॉरेन ऑफिसर अंडर शिवाजी, ठीक है, मराठा रूल। तो ये समंत था, ये आपको कल ध्यान होगा, कल कराया था मैंने। बाकी इक्ता कौन थे, इक्तादार कौन थे, तो इक्ता क्या है, इक्ता अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो रीजनल यूनिट है, इसको अपने प्रोविंस के इक्विवेलेंट मान सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में दिल्ली सल्तनत ने अपने जो एम्पायर को छोटे छोटे इक्ताज के अंदर डिवाइड किया था, इनको बाद में एबॉलिश किसने किया था, और क्वेश्चन आए एबॉलिश इक्ताज, हु एबॉलिश्ड इक्ताज, तो आपका आंसर होएगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और उनके जो प्रोविंसेस के जो चार्ज में जो ऑफिसर्स रखे जाते थे उन्हें हम इक्तदार कहते थे। और मुक्ति कौन होता था, वो ये मुक्ति का कंबाइंड फंक्शन होता था, रेवेन्यू कलेक्ट करना एडमिनिस्ट्रेशन का, और पे मास्टर का मतलब कि ये पैसों का जो सारा सारा हिसाब रखने वाला, और मिलिट्री कमांडर वो होता था मुक्ति। हौज ए सुल्तानी इजा, हौज ए सुल्तानी क्या है, हौज ए सुल्तानी एक बड़ा रिजर्वायर है, ठीक है। हौज ए सुल्तानी कब बना था, 1230 एडी के अंदर, किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने, ये आपको याद रखना है, ईयर भी, और किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने, ठीक है। द बैटल ऑफ करनाल इन 1739 वॉज फॉट बिटवीन नादिर शाह एंड हुम अमंग द फॉलोइंग। 1739 में करनाल का युद्ध नादिर शाह में से किसके बीच लड़ा गया था, तो आपको ध्यान है ये मोहम्मद शाह के बीच में लड़ा गया था। आपको ध्यान है नादिर शाह की जो फोर्सेस थी 6:1 से आउट नंबर थी, मुगल फोर्सेस 6:1 में थी और ये 1:1 के अंदर थी नादिर शाह की, तो भी ये 3-3.5 घंटों के अंदर जीत गए थे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट में देखते हैं अपने, हु हैड बिल्ट द बादशाही मस्जिद इन लाहौर, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो वो आपके करवाया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने कब करवाया था, ये करवाया था 1673 के अंदर, ये भी ध्यान रखना है। और ये लाहौर का वन ऑफ द बेस्ट नोन लैंडमार्क्स में और मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हु हैड डिफीटेड राणा सांगा इन द बैटल ऑफ खांडवा इन 1527, 1527 ईस्वी में खांडवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया था, अभी अपन ने किया भी था आज ये फिर से, इसका आंसर है आपका बाबर, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, हु विच बिकेम द कैपिटल ऑफ मराठा एम्पायर ड्यूरिंग द पेशवा रूल, पेशवाओं के समय मराठा साम्राज्य की राजधानी क्या बन गई थी, तो वो थी आपकी पूना, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स वॉज कॉल्ड दरवेश और अ जिंदा फकीर, निम्न में से किस मुगल शासक को दरवेश या जिंदा फकीर कहा जाता था, तो ये था आपका जिंदा फकीर, जिंदा पीर कुछ ही कह दीजिए, वो आपका औरंगजेब था। ये दरवेश क्या होते हैं, दरवेश ये सूफी ट्रेडिशन के अंदर रिलीजियस मैंडिकेंट, मैंडिकेंट मतलब जो आपके भिक्षा यू मांगते हैं, जो वो जो रिलीजियस रीजन के लिए जो कि आपका छोड़ देते हैं इस वर्ल्डली प्लेजर को, वर्ल्डली ये जो जो धन दौलत है इसको, तो उन्हें आप कहते हैं दरवेश इन सूफी ट्रेडिशन में, ठीक है। तो औरंगजेब को कहा जाता था, क्यों कहा जाता था, ये फकीर की तरह रहता था, कोई कभी इसने शराब नहीं पी, जमीन पे सोता था, अपने फ्री टाइम में स्कल कैप्स बनाता था, तो ये सारे काम करने की वजह से इसको जिंदा पीर और फकीर या कहा जाता था इसको। लेकिन ये थोड़ा इस्लामिक कट्टरपंथ भी था, तो आपको जैसे ध्यान होगा कि इसने जजिया रीइंट्रोड्यूस कर दिया था, म्यूजिक पे जगह जगह बैन, सारी जगह बैन कर दिया था, और भी कई सारे इसने काम किए थे औरंगजेब ने, तो ये थोड़ा कट्टर भी पड़ता था। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ हैदराबाद स्टेट, हैदराबाद राज्य के संस्थापक कौन था, तो हैदराबाद राज्य का संस्थापक था आपका ऑप्शन नंबर ए निजाम उल मुल्क असफ जाह, ठीक है। हैदराबाद का फाउंडर निजाम उल मुल्क असफ जाह, इसका और क्या नाम है आपका मीर कमर उद्दीन खान, ठीक है। ये गवर्नर था ऑफ द डेक्कन अंडर मुगल्स फ्रॉम 1713 टू 1721, लेकिन इन 1724 इसने अपना रूल स्टार्ट किया हैदराबाद का, और इसने अपना टाइटल ले लिया असफ जाह, और ये टाइटल किसने दिया था, ये दिया था मुगल एम्परर मोहम्मद शाह ने इसको, ठीक है। तो आज के 50 क्वेश्चंस अपने खत्म होते हैं, आई होप आपको आज की क्लास में भी मजा आया होगा, थैंक यू।